हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय मैं उसी खेत में आ गया हूं जिस खेत का ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया था, जो कि बहुत हरा भरा दिख रहा था। लेकिन इस समय आप देख रहे हैं ना, एकदम खाली खाली सा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले जैसा कि आप जानते हैं कि तेज़ बारिश की वजह से ये सब खेत डूब गया था और खेत में पानी लगा हुआ था। अब पानी सूखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ नीचे देखिए सब घास ही घास दिख रहा है, जो है वो भी ड्राई ग्रास है। और इस ड्राई ग्रास को देखिए, यहाँ पर कलेक्ट निकाल निकाल कर कलेक्ट किया जा रहा है और इसको जलाया जा रहा है, ताकि एक खेत पुनः तैयार किया जा सके और इसमें सब्जियां उगाई जा सकें। यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे हैं अपना जो है एंजॉय भी कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है देखिए, हाँ वहाँ पर जलाया जा रहा है, ठीक, काफ़ी एंजॉय बच्चे कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए इस साइड में हरा भरा तो दिख ही रहा है, इस साइड में देखें और इस साइड में आपको दिखाते हैं, और इस साइड में देखिए जहाँ पर पैडी प्लांट भी है वहाँ पर आगे दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, और यहाँ पर देखिए जगह जगह आग जलाया जा रहा है, वहाँ पर जो है देखिए जलाइए उसको भी। तो यहाँ पर देखिए बच्चे भी एंजॉयमेंट कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, ठीक। तो बड़े पापा, हाँ स्वीटी भी यहाँ पर मौजूद है, देखिए, हाँ स्वीटी आपसे कुछ संबंधित सेंटेंस बताइए। अच्छा, अब देखिए गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आग जलाया जा रहा है और बच्चे भी काफ़ी एंजॉयमेंट कर रहे हैं। और स्वीटी का क्वेश्चन है कि थोड़ा सा आग से संबंधित कुछ सेंटेंसेस भी हो जाएं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी खेत में पहुँचता हूँ तो कुछ न कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस या इंग्लिश वर्ड देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ सेंटेंसेस जो कि आग से संबंधित होगी। जैसे आप वहाँ पर देख रहे हैं ना, बच्चे आग जला रहे हैं, और सबसे पहली चीज़ अगर हम कहें कि जैसे आग लगना, तो आग लगना की इंग्लिश होगी कैच फायर। क्या होगी? कैच फायर, हाँ कैच फायर मीन्स होता है आग लगना। और आग लगाना की इंग्लिश होगी सेट ऑन फायर। क्या होगा? सेट ऑन फायर, आग लगाना। जैसे मैं कहूँ कि मेरे खेत में आग लग गई है, तो ये होगा माई फील्ड हैज कॉट फायर। क्या होगा? माई फील्ड हैज कॉट फायर। और मैंने खेत में आग लगाया है, तो आई हैव सेट ऑन फायर। क्या बोलेंगे? आई हैव सेट ऑन फायर। अब देखिए आग लगने के बाद जो भी है वहाँ पर, यहाँ पर देखिए स्मोक उड़ रहा है, तो इसको जैसे धुआं है, धुआं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्मोक, स्मोक। अब देखिए धुआं उड़ रहा है, अब धुआं उड़ रहा है इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्मोक इज फ्लाइंग। क्या बोलेंगे? स्मोक इज फ्लाइंग। इस तरीके से बच्चे काफ़ी एंजॉयमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आग, आग की इंग्लिश क्या होती है? फायर, फायर मीन्स आग। तो गाइस आई थिंक कि आपको कुछ सेंटेंसेस सीखने को मिले। फिर एक बार उसी फील्ड में, जो फील्ड एक समय था कि हरा भरा बहुत दिखाई दे रहा था, लेकिन आज यह फील्ड एकदम सूना सूना सा लग रहा है, और फिर से खेत की तैयारी चल रही है इसको हरा भरा करने के लिए। अब जो कि प्लांट जो कि तैयार हो गए हैं, बस इसको लगाना है और इसको जो है उसकी देखभाल करनी है, उसको बढ़ाना है। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।